चलो देखो, अभी तक की क्लास में अपन ने यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 हमारा मीनिंग डेफिनेशन स्कोप ऑफ ऑडिट हो चुका है, ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग हो चुका है और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं टेक्निक प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन ये जो आप पढ़ोगे ना इस चैप्टर को तो इससे ओवरव्यू मिलेगा पूरा ऑडिट होता क्या है। अभी तक तो हमने है ना ऑडिट क्या होता है वो पढ़ा है और ऑडिट कैसे किया जाता है वो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के 5 से 6 टॉपिक है इस चैप्टर में टेक्निक प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, और ये आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए खास करके यूनिट नंबर 4 के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो यूनिट नंबर 4 आप नहीं भी पढ़ोगे तो अपने मन से आंसर लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लेकिन उसका एक बेस है ये। चैप्टर का नाम है टेक्निक प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। तो इसके अंदर टोटल है ना कितने टॉपिक है पहले अपन वो बात करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या आपका ऑडिट प्रोग्राम, क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक अपना आता है ऑडिट प्रोग्राम के बाद, ऑडिट प्रोग्राम के बाद दूसरा टॉपिक आता है ऑडिट नोटबुक। ठीक है, ऑडिट नोटबुक क्या होती है, ऑडिट नोटबुक के बाद तीसरा टॉपिक हमारा आता है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। एक मिनट, नोटबुक के बाद ऑडिट फाइल्स है। ठीक है, तीसरा टॉपिक ऑडिट फाइल्स के बाद चौथा टॉपिक है हमारा ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ठीक है, ऑडिट वर्किंग पेपर के बाद मतलब ये जो चार टॉपिक है, चार टॉपिक आज तक पेपर में इन्हीं चार में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आया है, मतलब इसी में से चार में से घुमा घुमा के दे रहा है। अब इसके बाद एक दो टॉपिक और है जिससे पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं आया ना, तो उसमें उसको मैंने अपने नोट्स में एक्स्ट्रा टॉपिक के नाम से डाल दिया है। जैसे पहला टेक्निक ऑफ ऑडिट, ये मेरा डालने का मतलब क्या था, क्योंकि चैप्टर का नाम ही टेक्निक है, भले क्वेश्चन नहीं आया तो क्या हो गया लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो टेक्निक ऑफ ऑडिट क्या होता है ये 5वां टॉपिक है। और दूसरा इसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक थोक बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन सवाल नहीं आया आज तक इससे। ठीक है, तो टोटल 6 टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, तो मैं एक एक करके सारे टॉपिक डील करते जा रहा हूं। देख, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिट प्रोग्राम की, क्या होती है ऑडिट प्रोग्राम। देखो कोई भी काम करोगे ना, कोई भी काम करोगे तो उसके पहले उसकी प्लानिंग व्लानिंग करते हैं। तो एक ऑडिटर है, उसको ऑडिट का असाइनमेंट मिला है, तो ऑडिट का काम करने के पहले, एग्जीक्यूट करने के पहले उसको प्लान, पूरी प्रोसीजर, पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। उसी को ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो वही क्या चीज है ऑडिट प्रोग्राम। मतलब ऑडिट प्रोग्राम कोई छोटी सी चीज नहीं है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीज होती है जिसके अंदर ऑडिट का प्लान बनाना, ऑडिट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाना, ऑडिट के टीम में कौन कौन होंगे, कौन कौन लोग होंगे तो किसको किसको कौन कौन सी जवाबदारी दी जाएगी, कौन इंसान कौन सा एरिया चेक करेगा, हर चीज का डिटेल्ड पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। क्लियर है मेरी बात, तो एक बार पढ़ते हैं इसको। हैविंग फिक्स्ड अप द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड गेन्ड नॉलेज ओवर द बिजनेस अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम द ऑडिटर नीड्स टू ड्रॉ अप अ प्लान ऑफ एक्शन। मतलब ऑडिटर ऑडिटर सबसे पहले स्कोप ऑफ ऑडिट देखेगा, ठीक है, बिजनेस के बारे में अपना नॉलेज लेगा। ऐसा थोड़ी कि ऑडिटर आज राइस मिल का ऑडिट करने गया है तो कल को उसको राइस मिल का ही ऑडिट करना है, नहीं। ऑडिटर एक इंसान होता है और वो जब ऑडिट करने जाता है ना तो उसको वैरायटी ऑफ बिजनेस मिलते हैं, हर और हर बिजनेस में तौर तरीके काम करने का जो प्रोसीजर होता है अलग होता है। आज कोई ऑडिटर गया उसको मेडिकल का ऑडिट मिल गया, आज कोई ऑडिटर गया उसको राइस मिल का ऑडिट मिल गया, आज कोई ऑडिटर गया उसको किराने दुकान का ऑडिट मिल गया, आज कोई ऑडिटर गया उसको कंपनी का ऑडिट मिल गया। ऑडिट छोटे लेवल का भी हो सकता है, बड़े लेवल का भी हो सकता है, और नेचर ऑफ बिजनेस सबका अलग अलग होता है। तो एक ऑडिटर जब जाएगा ना ऑडिट करने तो सबसे पहले तो ऑडिट की स्कोप देखेगा, मेरे को क्या क्या चेक करना है, कितना कितना चेक करना है। फिर बाद में वो बिजनेस का नॉलेज भी लेगा कि इस टाइप के बिजनेस में क्या क्या काम होता है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की नॉलेज लेगा, वहां का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है टेस्ट करेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ने हमें पढ़ा है ना उसको टेस्ट करेगा।
ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग की प्रोसेस, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, ये सारे चीजों को कंसिडर करते ऑडिटर क्या करेगा, एक प्लान बनाएगा, प्लान ऑफ एक्शन बनाएगा। तो कौन कौन सी चीजों को कंसिडर करेगा, पहला स्कोप ऑफ ऑडिट को कंसिडर करेगा, दूसरा बिजनेस के नॉलेज लेगा, तीसरा अकाउंटिंग की प्रोसेस कैसे अकाउंटिंग होती है, और चौथा इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करेगा। ये चारों चीज को बेस लेकर वो अपना एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करेगा। दिस प्लान ऑफ एक्शन कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम, यही प्लान ऑफ एक्शन को क्या बोला जाता है, ऑडिट प्रोग्राम। इट इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ वर्क प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर फॉर कैरिंग आउट एन ऑडिट। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसीजर विच द ऑडिटर प्लान टू अप्लाई टू द गिवन ऑडिट फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट द क्लाइंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इट इज ऑल्सो रिटन स्कीम प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द ऑडिट। इट नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूट द प्लान ऑफ ऑडिट या प्लान ऑफ वर्क बट ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द ऑडिट वर्क। The nature and extent of an audit program depend on the system of internal check or control in existence in the organization and the books of account maintained. मतलब मैं ना ये जो पूरा बता दिया ना आप लोगों को एक बार स्टार्टिंग में मैं बता दिया था, वो पूरी बात इसमें इंक्लूड है, बस उसी को एक अच्छी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट जो करने जा रहा है ऑडिटर उससे रिलेटेड डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, ठीक है। वो प्लान को बनाते समय ऑडिटर कौन कौन सी चीजों को कंसीडर करेगा, स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, बिजनेस का नॉलेज लेगा, अकाउंटिंग को चेक करेगा और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट करेगा, उसके बेस पे कॉम्प्रिहेंसिव एक बड़ा प्लान बनाएगा। वो प्लान जो है ना रिटर्न फॉर्मेट, वो जो प्लान होता है उसी प्लान को क्या बोला जाता है, ऑडिट प्रोग्राम। उसी उस ऑडिट प्रोग्राम को वो एक रिटर्न फॉर्मेट में भी बनाता है, जिससे जैसे मान लो मैं आपको एक जवाबदारी दिया कि भूमिका आप एक काम करो, आपको ये मैंने चेकलिस्ट दी, आपको ये चेक करना है, आपको मैंने अलग दिया, कृतिका आपको मैंने अलग अलग काम दिया और एक पूरा मैंने एक फ्रेमवर्क बना लिया। अब जैसे काम चालू हुआ तो उस रिटर्न फॉर्मेट से मैं ये मॉनिटर या सुपरवाइज कर पाऊंगा कि कौन कौन कितना कितना कहां कहां का काम कर रहा है कि नहीं। इसी के बेस पे ऑडिटर जो है ये डिसाइड करता है, सुपरवाइज करता है और अपने ऑडिट को कंट्रोल करता है, अपने वर्क को। क्लियर है? तो ये हो गया भाई ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग, ठीक है। जैसे कि एक सिविल इंजीनियर, ये थोड़ा सा इमोशनल बात करेगा, एक सिविल इंजीनियर भाई कहीं का कंस्ट्रक्शन का काम लिया है तो क्या मुंह उठा के रेती गिट्टी डलवा देता है, पूरा नक्शा बनवाता है, उस नक्शे के अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है, कौन सा काम पहले करना है बताओ, पहले लेंटर पहले ढल जाता है कि न्यू पहले खुदती है, न्यू पहले खुदेगी उसके बाद फिर न्यू को पाटेंगे, फिर मतलब साइड साइड की कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनाने के बाद लेंटर होता है, लेंटर बनाने के बाद दीवाले होती है, दीवाले बनाने के बाद क्या काम होता है, वहां पे प्लास्टर व्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर व्लास्टर करने के बाद इलेक्ट्रिक फिटिंग, मतलब बिल्डिंग बनाने का काम भी उसको कंपेयर करवा रहा है ऑडिट करने के काम से। ऑडिटर पहले आएगा अपना रिपोर्ट दे देगा बाद में वाउचिंग करेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो ये पूरा एक आपको इंट्रोडक्शन बताया कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। डेफिनेशंस मैं शुरू से बोलते जा रहा हूँ, डेफिनेशंस हमेशा रटने की चीज होती है, फिर भी एक आध डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, बाकी इन डेफिनेशंस में आपको जो भी अच्छी लगती हो कोई दो डेफिनेशन याद कर लेना। एक तो मॉन्टगोमेरी ने बताया है, स्पाइसर एंड पेगलर ने बताया, प्रोफेसर मैगीज ने बताया है, वॉल्टर डब्ल्यू बिग हॉवर्ड सेटलर, ये पांच लोगों ने डेफिनेशन दी अपनी अपनी। आप लोगों को जो दो डेफिनेशन अच्छी लगती छोटी छोटी वो लिख कर आ जाना, ठीक है। लेकिन है ना आप हमेशा याद रखना, स्पाइसर एंड पेगलर जो होता है थोड़ा सा फेमस इंसान है, इसकी हर जगह डेफिनेशन दिख रही है, तो इसकी डेफिनेशन ये नहीं बोल रहा हूं लिख के आ रहा, ये बोल रहा हूं कि इसका लिखने के पहले डेफिनेशन अच्छे से याद रखना। इसका नाम लिख दिए और डेफिनेशन गलत लिखे तो गलत, या तो इसका नाम लिखना ही मत, दूसरा दूसरा लोगों का नाम लिख देना, लेकिन यह थोड़ा सा स्पेशल आदमी, इसको सब जानते हैं, ऐसा है मेरा। The various definition offered by some famous writers, author have been stated below. मैं एक दो ही पढ़ूंगा बस। An audit program is a list, generally in details of step to be followed in the course of examination. It controls the nature and extent of examination, aids in arranging, timing and distributing the work, guards against possible omission and duplication, and provide part of evidence of work done.
मतलब पूरा एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे काम में डुप्लीकेसी नहीं होती है, मतलब एक ही काम को दो बार नहीं कर रहे, पता चल रहा है सेल्स चेक हो गया और पता ही नहीं यहाँ पे सेल चेक हो गया, वापस लगा दिया आदमी को सेल चेक करो, ठीक है। उसके बाद कोई चीज छूट तो नहीं जा रही है, तो उसके लिए एक लिस्ट बना दो तो ओमिशन ना हो जाए या डुप्लीकेशन ना हो जाए काम का। तो ये पूरा बताने की कोशिश कर रहा है, ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल्ड लिस्ट होती है, चेकलिस्ट होती है, जिसके बेस पर ऑडिटर अपना वर्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करता है, क्लियर है। उसके बाद लास्ट ये एक ये डेफिनेशन तो अच्छी है, इसको आप लोग याद कर सकते हो, ये थोड़ी बड़ी है। उसके बाद प्रोफेसर मैक्स क्या बोलते हैं, सुनो, ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड गिविंग द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप लोग इसमें से कोई दो, एनी टू डेफिनेशंस याद कर लेना। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड ऑडिट प्रोग्राम, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मेरे को नहीं पता। यूनिट नंबर 1 में 4 टॉपिक हैं टोटल, 4 में से ये जो टॉपिक है थोड़ा सा वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब ये करना इसलिए जरूरी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी देखा गया कि इससे क्वेश्चन कंपलसरी हर बार आ ही रहा है, हर बार आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को जब ये पूरी क्लास हो जाएगी, कल की मॉर्निंग की जो क्लास रहेगी ऑडिट की, वो लास्ट क्लास रहेगी, उसमें मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये बोलना है कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यूनिट को है ना वो करते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन देखोगे ना यूनिट 2 का है वो 1 में दिख जाएगा, कोई क्वेश्चन 1 का है वो आपको 4 में दिख जाएगा। तो वो टॉपिक के साथ मतलब कंपलसरी करके जाना ही है उसको, अगर आप उसको नहीं करके गए, बोलोगे यूनिट 1 का टॉपिक है छोड़ो ऑप्शन में हम इसको छोड़ देते हैं, पता चला यूनिट 4 में आ गया वो क्वेश्चन या 2 में आ गया, तो फंस जाओगे ना, इसलिए वो करना जरूरी है। जैसे वैल्यूएशन, हमने एक चैप्टर पढ़ा था याद है वैल्यूएशन, ठीक है। तो वैल्यूएशन जो है वो यूनिट नंबर आपको 2 में भी दिखेगा और 4 में भी आ जा रहा है, अब करेगा करेगा क्या इंसान बताओ। इसलिए चलो जो भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड ऑडिट प्रोग्राम, पहला क्या होना चाहिए, ये हेडिंग हेडिंग पहले पढ़ो, ये रिटर्न होना चाहिए। प्लान अगर हवा में बना दिए, हवा में मतलब बिना लिखा हुआ है, तो आप अपनी चीजों को कितना याद रख सकते हो, नहीं रख सकते ना। इसलिए ऑडिट प्रोग्राम क्या होना चाहिए, रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद क्लियर कट होना चाहिए, क्लियर कट मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर कट समझते हो ना, एकदम टू द पॉइंट, कि भाई जिसको जो काम डेलीगेट कर रहे हो वो लिखा रहना चाहिए कि ये एरिया साइन चेक करेगा, तो क्लियर होना चाहिए हर चीज के बारे में। दूसरा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्यों भाई, फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड होता है, ऑडिट करने गया ऑडिटर, जैसा जैसा उसने प्लान बनाया था, सोचो बिजनेस के बारे में जो जो पहले उसने सोचा था, एक्चुअली वो चीजें उसको वैसी नहीं मिली, कुछ प्लान में चेंजेस करना पड़ सकता है फ्यूचर में एज पर सिचुएशन, ठीक है, एज पर ग्राउंड रियलिटी। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, फ्लेक्सिबल, जो शुरू से बनाए हैं उसमें रिजिड नहीं रहना है, ठीक है, उसको एज पर सिचुएशन आप मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसा आपका प्रोग्राम होना चाहिए। तो पहला मैंने क्या बताया, ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, रिटर्न, दूसरा क्लियर कट, तीसरा फ्लेक्सिबल, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ऑडिट प्रोग्राम में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए, कि किसको आपने क्या काम दिया है, किसको किस एरिया आपने उसको मथोराइज किया कि इस एरिया का जाके आप चेकिंग करो। फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑडिट स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो पहले तो ऊपर में लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क मतलब किसको क्या क्या जवाबदारी दी गई है, मतलब एरिया दिया गया है, अब उसके बाद उनकी जवाबदारी भी क्या है, जवाबदारी मतलब ये काम तुमको करना है, इतने दिन में करना है, तो जवाबदारियां, फिक्सेशन ऑफ ऑडिट ऑडिट स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी फिक्स करता है। ओवरऑल चेकिंग, ओवरऑल चेकिंग मतलब जब सब लोग अलग अलग एरिया का चेक कर रहे हैं, तो बाद में ऑडिट प्रोग्राम में एक ओवरऑल चेकिंग भी होनी चाहिए, ताकि हर एरिया के आपस में बीच में एक हारमोनी बन सके। उसके बाद एग्जामिनेशन विथ ओरिजिनल वाउचर्स, जो भी आप मतलब आपने प्रोग्राम बनाया है उसमें जो भी आप एग्जामिन कर रहे हो, तो वहां पे ओरिजिनल वाउचर्स को भी आप इन्वॉल्व करो, उनके साथ भी चेकिंग करो। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग सिस्टम,
बेस्ड ऑन अकाउंटिंग सिस्टम। समझते हो इसका मतलब? भाई किसी भी बिजनेस में आप जाओगे तो नॉर्मल, अगर छोटा बिजनेस है तो टैली चला रहा होगा, बड़ा बिजनेस अगर जाओगे तो वहां पे आपको ईआरपी सिस्टम्स मिलेंगे, तो उनका अकाउंटिंग करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो आपका ऑडिट का जो प्रोसीजर या प्लान, ऑडिट का जो प्रोग्राम है, वो सामने वाले का पहले अकाउंटिंग सिस्टम का नॉलेज ले लो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना प्रोग्राम बनाओ। पता चल रहा है उनके अकाउंटिंग सिस्टम में पहले कुछ और काम किया जाता है और आप अपने प्रोग्राम में पहले कुछ और डाल के रखे हो, तो फिर वो मैच नहीं करेगी ना चीजें। तो पहले उनके अकाउंटिंग सिस्टम को समझो और उसके बेस पर अपना प्रोग्राम बनाओ। उसके बाद आगे, कैप्ट इन माइंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है जो सारी चीजों को चेक करता है और फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने का काम करता है इंटरनल चेक सिस्टम। ठीक है, उसका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वीक पॉइंट है उसको भी ध्यान में रखो, ये बोल रहा है। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंसर्न्ड रूल्स। कोई बिजनेस अगर ऐसा है जिसके ऊपर किसी प्रकार के लॉ और रेगुलेशंस या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जैसे फैक्ट्रियों में जाओगे तो लेबर लॉ अप्लाई होता है, ठीक है, कंपनी में जाओगे तो कंपनी लॉ अप्लाई हो जाता है, फैक्ट्रियों में जाओगे तो जहां पे वर्कर्स काम करें वहां पे ईएसआईसी एक्ट काम करता है, मतलब अप्लाई हो जाता है, पीएफ एक्ट अप्लाई हो जाता है। तो सारे नॉलेज जो रूल्स जिससे रिलेटेड है ना, उसका भी नॉलेज होना चाहिए ऑडिटर को। और लास्ट में सिग्नेचर डेट एंड कॉलम। सिग्नेचर डेट एंड कॉलम, कौन किसको किसको क्या क्या जवाबदारी दी गई थी, वो अपना सिग्नेचर करेगा, डेट डालेगा और उसका जो कॉलम होगा वहां पर करेगा सब। हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड ऑडिट प्रोग्राम, मतलब एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो पहला बोल रहा है वो रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क उसमें प्रॉपर दिखना चाहिए कि किसको किसको क्या क्या काम दिया। उसके बाद हर ऑडिट स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स उसी में ही करनी चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि किसी को ऐसी भी जवाबदारी जो ओवरऑल सारा भी काम चेक करे सबका होने के बाद। उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम में ओरिजिनल वाउचर से भी आप ट्रांजेक्शन को चेक करो, ऐसा होना चाहिए। अकाउंटिंग सिस्टम के बेस पर होना चाहिए, मतलब अकाउंटिंग सिस्टम को पहले समझो, उसमें कौन सा काम पहले हो रहा है कौन सा काम बाद में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाओ। उसके बाद आप इंटरनल चेक सिस्टम को जैसे ही चेक करोगे तो उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है उसका भी ध्यान रखना है अपने ऑडिट प्रोग्राम में। उसके बाद कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उस बिजनेस पर, ठीक है, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम में, वो चीज इन्वॉल्व करो। और सिग्नेचर डेट और कॉलम, इसमें 11 पॉइंट है, तो 11 पॉइंट में आप है ना कौन कौन सा पॉइंट स्किप कर सकते हो मालूम है? पहला तो कंपलसरी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा पॉइंट स्किप कर सकते हो, ठीक है, सातवा पॉइंट भी स्किप कर सकते हो, आठवा कंपलसरी है, ठीक है, नौवा भी लिख लो, दसवा, ग्यारहवा, नौ पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा ऐसा है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, अब याद तो पूरे 11 कर लो जो याद आ जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा। एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ रिटन स्कीम प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर। अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम बनाया किसके द्वारा जाता है, ऑडिटर बनाता है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम इज अ रिटन स्कीम प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द ऑडिट। द प्रिपरेशन ऑफ सच प्रोग्राम इन्वॉल्व ओनली थ्री थिंग्स, दे आर हाउ मच वर्क इज टू बी डन, कितना काम किया जाना चाहिए, हु इज गोइंग टू डू अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वर्क, वॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बाय विच द वर्क इज टू बी फिनिश्ड, कितना काम करना है, कौन वो काम करेगा और कब तक वो काम कर कर देना है। ठीक है, ये तीन चीजें, कितना, कौन और कब, ये तीन चीजें एक ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय ध्यान रखनी है। ठीक है, कितना काम करेगा, कौन करेगा और कब तक का वो काम करके देना है। ठीक है, उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम का एक स्पेसिमेन, ऑडिट प्रोग्राम बनाने जाएगा ना ऑडिटर, उसका एक स्पेसिमेन। अब मैं अगर बोलूँ ना तो स्पेसिमेन के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता है कि ऑडिट प्रोग्राम का स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कम से कम 3 पेज का स्पेसिमेन होता है। तो मैंने जो यहां पर स्पेसिमेन रखा है ना उसकी समरी, ठीक है, समरी,
समरी बोलने का मतलब आप इसको अगर समझ लोगे तो आप उसकी अंदर की चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। तो सबसे पहले जिस इंसान का ऑडिट हो रहा है, जिस फर्म का ऑडिट हो रहा है, उसका क्या लिखना है आपको? नाम, नेम ऑफ द क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव। कभी कभी होता है ना कि मालिक कोई और है, वो तो अवेलेबल नहीं है, तो मालिक के बदले उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैनेजर वैनेजर कोई होगा, दोनों सेम होगा तो दोनों, और दोनों मालिक कोई और है। अब छोटे छोटे काम के लिए, अब बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर बात करें तो छोटे छोटे काम के लिए अलग अलग डिवीजन के लिए बार बार मालिक थोड़ी आता है, भाई मैनेजर से मिल लो। तो वो हो गया क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव। ऑडिट ईयर, अकाउंटिंग ईयर अंडर ऑडिट, कौन से साल का आप ऑडिट करने जा रहे हो, अकाउंटिंग ईयर लिखो। लैंग्वेज इन विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाँ हिंदी में भी अपने होता है अकाउंटिंग, वैसे ये इतना कंपल्सरी पॉइंट नहीं है, फिर भी लिख लेना जरूरी है क्योंकि हम लोग इस चीज से जूझे हुए हैं। हम लोग जब ऑडिट करते थे तो हमारे क्लाइंट लोग आते थे तो कुछ लोग हिंदी में पूरी अकाउंटिंग करके लाते थे, हिंदी में, ठीक है, तो हिंदी में करके लाते थे, तो जिससे हम लोगों को है ना पहले हिंदी के नंबर्स, अब अपन शुरू से पढ़े नहीं ना, हमको मालूम नहीं रहता था नौ किसको बोलते हैं, अब ये किसको बोलते हैं बताओ, हिंदी में ये मतलब क्या है, सात, छह जैसे दिखता है लेकिन सात है, तो हम लोग को इतना कंफ्यूजन होता था, इतना कंफ्यूजन होता था, फिर हम लोगों को वही देख कर हम ना ऑडिट रिपोर्ट में हम डेटा फिट करते थे, डेटा फिट करते थे, सर हमको इतना पहले साल में तो इतना दिक्कत हुआ हमको कि भाई तुम छह को सात लिख दे रहे हो, सात को, और सात तो ऐसे बनता है, अब शुरू से वही अक्षर देखे हम तो फिर हमको पता कैसे रहेगा, पांच कैसे बनता है, पांच ऐसे बनता है पांच, ठीक है, चार ऐसे बनता है आर के जैसे, ठीक है, दो ऐसा बनता है, नौ ऐसे बनता है, नौ ऐसे बनता है, ठीक है, एक ऐसे बनता है, तो बहुत सारा मतलब है ना, लैंग्वेज भी पता होना चाहिए। अब अपन तो चलो इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे मेनली अकाउंटिंग हिंदी इंग्लिश में की जाती है, ठीक है, अब आप किसी ऐसे स्टेट में चले जाओ जैसे साउथ के स्टेट है तो वहां पे उनके भी अक्षर होंगे तो दिक्कत करता है, इसलिए लैंग्वेज भी पता होना जरूरी है। तो ऑडिट सिर्फ अपन छत्तीसगढ़ में बैठ के थोड़ी कर रहे हैं। उसके बाद ऑडिट वर्क डन बाय, ऑडिट का काम किसने किसने किया, एक दो तीन चार, और पर्टिकुलर ऑफ वर्क, पर्टिकुलर वर्क में आप क्या क्या चेक करोगे, पहला आप चेक करोगे क्या, कैश बुक, दूसरा आप क्या चेक करोगे, बैंक अकाउंट, फिर उसके बाद क्या, सेल बुक, परचेज बुक, मेन जर्नल, सैलरी एंड वेजेस बुक, लेजर, ठीक है, लेजर जनरल, जर्नल के बाद डेटर्स क्रेडिटर्स, ये चेक करना है, लेजर सबके, स्टॉक लिस्ट, कब कब चेक हुआ उसकी डेट और किसने किसने चेक किया। तो ये एक ऑडिट प्रोग्राम का एक सिंपल सा स्पेसिमेन है, अगर एक्चुअल स्पेसिमेन देखने जाओगे तो दो से तीन पेज का होता है, तो वो हमको पेपर में पूछेगा नहीं, और पेपर में पूछेगा भी तो इस समरी वाला लिख कर आना, इतना समय होता नहीं और याद करने का अपने पास टाइम है भी नहीं, ठीक है, पूछा, हाँ अगर आप नहीं पूछा है तो फालतू अपना क्यों बढ़ा रहे हो कंटेंट को, याद रहेगा तो लिख कर आ जाना। चलो अब कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको रखने हैं ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय, तो कितने प्रिकॉशन है टोटल, 16, ठीक है, चलो ये थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ हो गया है, यहां से नहीं है, यहां से 15 पॉइंट है ना। प्रोग्राम मस्ट बी इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब यहां पे लिख लो फ्लेक्सिबल, प्रोग्राम मस्ट बी फ्लेक्सिबल इलास्टिक, मतलब भाई समय आगे बढ़ते जाएगा, अपने को मालूम नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, तो अगर मान लो हमने जैसे सोचा है एज पर सिचुएशन, एज पर हमारा प्लान ना हो तो आपका प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल रखो ताकि एज पर सिचुएशन आपको चीजें बदलनी पड़े तो आप रेडी रहो उसके लिए। इट शुड बी रिटर्न, ये क्या होना चाहिए, रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए। इट शुड बी इलेबोरेट एंड क्लियर, अगर मैं बोलू ना गुड ऑडिट प्रोग्राम वाला, वो वही पॉइंट अगर पूरा लिख कर आ जाओगे ना तो आपको ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है पढ़ो ना हेडिंग, प्रिकॉशंस वाइल प्रिपेयरिंग ऑडिट प्रोग्राम, से एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं कौन कौन से प्रिकॉशन आपको रखने एक ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय। और ये बोलता है कि भाई एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो वही क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप प्रिकॉशन ही तो लोगे भाई सारी। तो आप अगर वो वाला आंसर नहीं लिखते हो और यही 11-12 पॉइंट लिख कर आ जाओगे
तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो इसको मैं लिख दूं यहां पे सेम एस, लिख दूं यहां पे सेम एस कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर है? तो यहां इसको आपको स्किप करवा रहा हूं, मैं नहीं पढ़वा रहा हूं क्योंकि लगभग लगभग सारे पॉइंट आपको सेम मिलेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, एक ऑडिट प्रोग्राम करने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद क्या क्या लिखा है पढ़ते चलो, ऑब्जेक्ट्स टू एंश्योर दैट वर्क इज परफॉर्म्ड इन अ प्रॉपर एंड ऑर्डरली मैनर, टू फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिसको जो काम दिया गया, अब ऑडिटर बेचारा अकेला ही थोड़ी सब चेक करेगा, ठीक है? तो उसने सबको अपनी अपनी जवाबदारी देके रखी। मान लो सारे लोगों ने ठीक किया, एक पर्टिकुलर बंदा ऐसा था उसने ही अपने एरिया में गलती की है, तो जवाबदारी फिक्स करने में भी काम आता है। अगर आप ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाए हो तो आप जवाबदारी पता ही नहीं चलेगा ना कौन क्या चेक किया है। टू मेंटेन क्लोज गार्ड एंड विजिल ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, विजिल मतलब निगरानी रखना, ऑडिट स्टाफ पर एक प्रकार का विजिलेंस रखना, विजिलेंस मतलब निगरानी रखना, ठीक है? टू फाइंड आउट लैप्सेस एंड शॉर्टकमिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क, मतलब जो काम बांटा गया है उनके में क्या क्या कमी है, क्या क्या उसमें शॉर्टकमिंग्स है, उसको भी बताता है ऑडिट प्रोग्राम। टू हैव रिटन रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर गाइडेंस, फ्यूचर में पता चल रहा है ऑडिट हमने जो किया उसमें कहीं पे कोई दिक्कत आ गई, फ्रॉड व्रॉड निकल गया, तो ऑडिट प्रोग्राम जो होता है ना आप अपना एक सबूत का काम करेगा, आप दिखा सकते हो कि देखो भैया हमने ऑडिट प्रोग्राम किया था तो ये पूरा एरिया चेक किया था, इस आदमी ने इस एरिया को चेक किया था, इस आदमी ने इस एरिया को चेक किया था, तो फ्यूचर में गाइडेंस के तौर पर काम करेगा। या फिर जरूरी थोड़ी कि हमेशा उस बिजनेस में फ्रॉड ही मिलेगा, मान लो आपको उसी टाइप का बिजनेस का एक और ऑडिट मिलेगा कहीं पर एक ऑडिटर, तो उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जो भी किया है तो वहां पर उसका पूरा ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है, तो अपना पास्ट में किया गया वर्क का अब दूसरे ऑडिट में भी यूज कर सकता है, ऑडिट प्रोग्राम बनाने में उसको फिर ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है? मतलब फ्यूचर की चीजों पर वो आपको गाइड करेगा फिर वो। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या होता है? पहला प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क, आप उसमें काम को अच्छे तरीके से बांट सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक ठाक लगा सकते हो ताकि कल को कोई गड़बड़ी हो तो आप उसको आराम से पकड़ सको। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉई, क्योंकि सारी चीज क्लियर है, सारी चीज सॉर्टेड है, तो आपको यहां पर एफिशिएंसी दिखेगी हमको, क्योंकि कंफ्यूज नहीं रहेंगे ना लोग, पता है भाई मेरे को ये काम करना है, इतना करना है, इतने दिन में करके देना है, तो क्यों नहीं करके देगा इंसान। टाइम सेविंग, इससे समय बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ गई तो टाइम भी बचेगा, लोग जल्दी करेंगे काम फटाफट। फैसिलिटी ऑफ चेंजिंग टू द वर्क, मतलब मान लो एक स्टाफ लोगों को रोटेट करना है आपको, एक स्टाफ को शिफ्ट करके दूसरे जगह डालना है, दूसरे को उठा के तीसरे जगह डालना है, तो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर सब चीज पता है तो आप आराम से रोटेशन कर सकते हो अपने ऑडिट स्टाफ का। यूनिफॉर्मिटी इन ऑडिट वर्क, यूनिफॉर्मिटी मतलब ऑडिट का जो काम है क्योंकि बटा हुआ है, सारी चीजें सिस्टमेटिक है, तो आपको ओवरऑल एक यूनिफॉर्म दिखेगा वर्क। यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस वाला यूनिफॉर्म नहीं, एक रूपता बोलते ना, एक रूपता, समानता, यूनिफॉर्मिटी। नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क, जैसे जैसे काम आगे बढ़ते जाएगा ऑडिटर जो है उसको पता चलते जाएगा हम कहाँ कहाँ पे, माइलस्टोन बोलते हैं ना, जैसे आप रास्ते में जाते हो तो आपको दिखता है इतना, जैसे आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो दिखेगा रायपुर 10 किलोमीटर, रायपुर 9 किलोमीटर, है ना, मैहर से वापस आते समय रायपुर 8 किलोमीटर, ऐसे दिखते रहेगा, तो आपको पता रहेगा प्रोग्रेस आपकी, क्योंकि आपका पूरा एक चेकलिस्ट बना हुआ है। बेस ऑफ द फ्यूचर ऑडिट प्लान, फ्यूचर में अगर और कोई ऑडिट का प्लान बना रहे हो या उसी इंस्टीट्यूशन को ऑडिट कर रहे हो या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन को ऑडिट करोगे तो आपको बेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। जैसे हम लोग बताया ना फर्स्ट ईयर में हमने ऑडिट किया था ना, हमको बहुत दिक्कत हुई थी लैंग्वेज के कारण, पहले साल हम गए ना जब आर्टिकलशिप में, तो एक तो मैं नया, मेरे साथ एक जन और ज्वाइन किया था और हमारे एक साथ सीनियर लोग थे, तो सीनियर लोग जो थे ना उन लोग अपना बढ़िया, उन लोगों को चीजें पता थी, हम लोग नए थे तो हमको दिक्कत होती थी समझने में, एक तो लैंग्वेज वाला, क्लाइंट के बारे में हमको पता नहीं है, क्लाइंट भी हमको नहीं जानता, हम भी क्लाइंट को नहीं जानते, बस हम कर रहे थे अनगाइडेड तरीके से। लेकिन जब पता चल गया हम नेक्स्ट ईयर जब उसी ऑडिट को किए तो उसके बारे में हमको सब पता था, तो हमको अगले साल ऑडिट करने में दिक्कत नहीं हुई। तो वैसे ही आप अगर अच्छा ऑडिट प्रोग्राम बना के रखे हो
और अगले साल नेक्स्ट ईयर आप फ्यूचर में उसी का दोबारा ऑडिट करते हो, उसी बिजनेस के तरीके से दूसरे का ऑडिट करते हो, तो आपको अच्छा एक बेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेल्फ डिफेंस प्रूफ इन द कोर्ट, कल को कोई गड़बड़ी पाई गई, ऑडिटर को बोला नेग्लिजेंसी का उसके ऊपर आरोप लगा कि भाई तुमने कुछ गलत किया है, नेग्लिजेंसी की है, तो उस केस में ऑडिट प्रोग्राम जो है एक प्रूफ का सेल्फ डिफेंस के लिए आपको काम करेगा, एविडेंस के तौर पे काम करेगा। ऑडिट उसको ऑडिटर उसको रख देगा कोर्ट में, देखो मैंने ऑडिट प्रोग्राम बनाया था, पूरी डिटेल चेकिंग की है और फ्रॉड किया गया, नहीं पकड़ में आया तो फिर मेरी गलती नहीं है। अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क, ऑडिट प्रोग्राम अच्छा बनाओगे, एफिशिएंसी दिखेगी, काम समय बचेगा, तो सीधी सी बात है, क्या होना है, जल्दी काम खत्म होगा। सेटिस्फेक्शन ऑफ कंप्लीट चेकिंग, ऑडिटर सेटिस्फाई रहेगा अपने आप से कि भाई मैंने जो काम किया पूरा कंप्लीट चेक किया है सारे, ओवरऑल गाइडेंस। गाइडेंस वाला पॉइंट यहां पर दो बार आ गया है, ये लिखा है ना भाई, बेस ऑफ ऑडिट प्लान और ये गाइडेंस, ठीक है, एक जैसा ही पॉइंट है। कंट्रोल ओवर द वर्क, ऑडिटर पूरा काम बटा हुआ है तो कौन क्या क्या काम कर रहा है उसके ऊपर ऑडिटर कंट्रोल लगा सकता है, कंट्रोल कर सकता है उन चीजों को, पता चल रहा है कोई स्लो चल रहा है, कोई एकदम फास्ट चल रहा है, तो स्पीड को क्या कराएगा, बराबर स्लो वाले को बोलेगा भाई तू फास्ट चल, और फास्ट वाले को बोलेगा तू थोड़ा आराम से चल, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, जो जो काम हो चुका है उसको इवेल्युएट कर सकता है ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोग्राम से। हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अब ऑडिट रिपोर्ट लास्ट का जो काम होता है ऑडिटर का, वो क्या देना रहता है, रिपोर्ट। तो ऑडिट प्रोग्राम अगर सही बना हुआ है तो ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट बनाने में भी दिक्कत नहीं होती, आराम से बना लेगा वो। डिसएडवांटेज, इट मेक्स द ऑडिट वर्क मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब ऑडिट का काम सही में मोनोटोनस वर्क होता है, एक जैसा काम, क्लेरिकल वर्क होता है, करते जाओ करते जाओ। लैक ऑफ इलास्टिसिटी, लैक ऑफ इलास्ट लेक नहीं लैक ऑफ इलास्टिसिटी मतलब वहां पे बोला एक गुड ऑडिट प्रोग्राम के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया कि हमने जो प्लान प्रोसीजर बनाया है अगर उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, रिजिडिटी है, तो वहां पर लैक ऑफ इलास्टिसिटी भी देखने को मिलेगी, मतलब वही उसका एक क्वालिटी होना चाहिए और नहीं है तो ये डिसएडवांटेज है। लॉस ऑफ इनिशिएटिव, लॉस ऑफ इनिशिएटिव मतलब कहां से स्टार्ट करें, कौन इनिशिएट करेगा, काम तो बढ़ गया सबको, कहां से स्टार्ट करें, क्या शुरू करें, कौन सा काम पहले पकड़े, ये सब। लेस चांस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, देखो ये आप लोग अभी आप लोग जो बीकॉम लेवल पर ऑडिट पढ़ रहे हो ना, ये ऑडिट है ही नहीं एक्चुअली, ये ऑडिट का थ्योरिटिकल पार्ट है, और जो सीए वाले बच्चे पढ़ते हैं ना ऑडिट का प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ते हैं, थ्योरिटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों पढ़ते हैं, उन लोग ऐसे पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर ऑडिटिंग, ठीक है। तो एक होता है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, तीन इनहेरेंट लिमिटेशन होते हैं ऑडिट के, ठीक है। तो उन इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण ऑडिटर है ना एरर्स और फ्रॉड को पकड़ने में उसको दिक्कत होती है। इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब सामने वाला क्लाइंट उसको इतना पैसा तो दे नहीं रहा है कि साल भर चेक करे, इसलिए ऑडिट को ऑडिटर को कॉस्ट भी देखनी रहती है कि भाई इसको पढ़ना भी तो चाहिए ना कुछ, काम दे रहा है 10,000 का करवाएगा 1,00,000 का, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इनहेरेंट लिमिटेशन में रहती है कॉस्ट से रिलेटेड, दूसरा होता है कि टाइम से रिलेटेड कि एक हफ्ते के अंदर काम करके देना है, तो एक हफ्ते के अंदर काम करके देना है तो हो सकता है कोई मेजर एरिया छूट जाए ऑडिटर से, और तीसरा होता है उस बिजनेस के नेचर का, वो बिजनेस का नेचर कैसा है। तो तीन इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जिसके कारण बहुत कम चांस होता है कि एरर और फ्रॉड पकड़ा जाए, क्योंकि जो एरर तो होते चलो पकड़ा जाएगा, लेकिन फ्रॉड जो होता है ना वो जानबूझ करके छुपाए गए गड़बड़ियां होती है, तो उसको ऑडिटर को थोड़ा खोजने में मुश्किल होती है। एक्सपेंसिव, महंगा सौदा, ये तो लिख ही देना, हर बार डिसएडवांटेज में लिखना ही चाहिए अपने को, एक्सपेंसिव। डिफिकल्टी इन इनकॉर्पोरेटिव न्यू टेक्निक, अब मान लो अब ट्रेंड चेंज होते जा रहे हैं, समय बदलते जा रहा है, अकाउंटिंग करने का तरीका, ठीक है, अकाउंटिंग करने के मेथड, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही, जैसे अभी AI आ गया है, अब AI भी ऑडिट में घुसने वाला है तो बहुत जल्दी, तो अब जैसे आप ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे तो आपको नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने में दिक्कत होगी। अब ऑडिटर लोग इतने टेक्निकली एनेबल्ड तो होते नहीं है, जैसे अभी कल मैं कहीं पे वो कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहां पे पता चला चाइना जो है ना, चाइना वो अपने पूरे रेल नेटवर्क में AI इनकॉर्पोरेट कर रही है। अब ऑडिटर लोगों के सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि उन लोगों को भी अपने काम में AI अगर नहीं डालेंगे ना तो उनके लिए फ्यूचर नहीं है, फिर AI खा जाएगा उनका काम, मतलब ऑडिटर को आज के डेट में काम करना है तो AI की मदद लेनी पड़ेगी।
तो आप लोगों को मैं अभी भी बोल रहा हूँ, दो काम अगर सीख लो अगर ऑडिट के फील्ड में जाना है, बहुत बड़ा ऑडिट फील्ड है। ऑडिट के फील्ड में जरूरी नहीं कि आपका सीए होना जरूरी है, आप एआई सीख लो, एआई को यूज कैसे करते हैं वो सीखो, होते हैं इसके डिप्लोमा, और एक दूसरा डेटा एनालिसिस, ये बहुत जरूरी चीज है एक आज के डेट में अकाउंटेंट के लिए। उसका वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी है। डिफेंडिंग डेफिशिएंसीज, डिफेंडिंग डेफिशिएंसीज मतलब इसके अंदर मान लो बहुत सारा कुछ कुछ कमी है, तो वो ऑडिट प्रोग्राम मतलब पढ़ लेते एक बार क्या है। इन एफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिट स्टाफ फाइंड्स अ रेडी एक्सक्यूज एज द स्टाफ कैन डिफेंड बाय शोइंग द ऑडिट प्रोग्राम। मतलब ऑडिटर, ऑडिट के स्टाफ के द्वारा अगर कहीं पे कोई काम करने में कमी हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, तो ऑडिट स्टाफ हमेशा वो ऑडिट प्रोग्राम ले लेके अपने आप को डिफेंड करेगा। सर ये आप जितना बोले थे उतना तो करके दिया, आप जितना बोले थे उतना तो करके दिया, ऐसा वाला काम। इनकम्प्लीट, कभी कभी अगर ठीक से स्टडी नहीं की जाए सारी चीजों को, तो हो सकता है ऑडिट प्रोग्राम क्या हो जाए, इनकम्प्लीट भी हो जाए, कोई एरिया छूट जाए आपसे। रिगिडिटी, ये वाला था ना पॉइंट, लैक ऑफ इलास्टिसिटी, और ये रिगिडिटी, रिजिडिटी बोलते कि रिगिडिटी बोलते, हाँ, तो ये पॉइंट वो है, क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ये यहां पर आना था, मैं गलती से नीचे लिख दिया उसको, ये यहां आना था, टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। जान दो, ये यहां पर आएगा ना पॉइंट। ऑडिट प्रोग्राम दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम। नाम से पता चल रहा है, फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम मतलब ऐसा ऑडिट प्रोग्राम जो फिक्स्ड ही रहेगा, जिसमें चेंज नहीं होना है, हाँ। और एक होता है ऑडिट प्रोग्राम कैसा, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम के नाम के आगे एक लाइन लिखिए, पढ़ो ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है अलग से। तो अपने को ये ठीक है, फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम के नाम से वो आ सकता है, अपने को इसके अंदर पढ़ना क्या है, फिक्स्ड वाले का मीनिंग पढ़ना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ना है, फ्लेक्सिबल वाले का मीनिंग पढ़ना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना है। ठीक है, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज इतना ही है एक्चुअली, लेकिन अलग से फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम का एडवांटेज आपको दिया गया है, ठीक। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑडिट नोटबुक में, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या होता है, ये खत्म करता हूं ना टॉपिक, ज्यादा बड़ा नहीं है। टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, एक होता है फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम। दिस कैटेगरी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज कॉमनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट बाय ऑडिटर। इट स्पेसिफाइज द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड, डिटेल ऑफ ऑडिट वर्क टू बी डन बाय इंडिविजुअल मेंबर इन द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सच ऑडिट वर्क इज टू बी कंप्लीटेड। इट इज ड्राफ्टेड ऑन द प्रिजम्पशन दैट इट शेल सूटेड ऑल टाइप ऑफ ऑडिट अंडरटेकन। एज सच इट इंक्लूड ऑल कन्विंसिबल ऑडिट प्रोसीजर दैट वेदर और नॉट दे मे बी एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट। मतलब फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम एक ऐसा ऑडिट प्रोग्राम होता है, वो ये मानकर बनाया जाता है कि ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। किसके ऊपर एप्लीकेबल बोला, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मतलब ये चेंज नहीं करने के हिसाब से बनाया जाता है। तो यहां पर आप लोगों को इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से आप लोग है ना इसको काट सकते हो। उसके बाद आगे, द असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड टू मैकेनिकली फॉलो एंड टिक द अप्रोप्रिएट एप्लीकेबल प्रोसीजर एंड वेन दे कंप्लीट देयर ऑडिट वर्क। मतलब एक फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चेकलिस्ट बनाना
जो कि सारे ऑडिट के ऊपर, सॉरी सारे बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होगी, ये मान के बनाना, ठीक है। तो उसमें लिस्ट दे दी गई ऑडिट स्टाफ को, जैसे जैसे काम खत्म हो गया वो करते जाएगा। एक मैकेनिकल टाइप का वर्क, फिक्स्ड ऑडिट, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। एडवांटेज क्या है, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू फॉलो। इट एक्ट एज अ गाइड टू द ऑडिट असिस्टेंट। देयर इज अ लिटिल और नो चांस ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट बीइंग लेफ्ट, ठीक है। डिफिकल्टी इन इंक्लूडिंग न्यू आइडियाज एंड टेक्निक्स। इन इंसेंटिव इन एफिशियंट एम्प्लॉयज, दे कैन वर्क मैकेनिकली। यहां पे बोलना चाह रहा है कि जो इन एफिशियंट एम्प्लॉय है उनको वो इंसेंटिव नहीं देगा और वो वर्क मैकेनिकली करेंगे। मैकेनिकली मतलब मोनोटोनस टाइप का काम, ठीक है। लॉस ऑफ इनिशिएटिव टू बी एबल्ड और एफिशियंट एम्प्लॉय, जो एफिशियंट एम्प्लॉय है वो इनिशिएटिव उनका लॉस होगा। फियर ऑफ एरर एंड फ्रॉड, लैक ऑफ मॉरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज एटसेट्रा। हाँ लिख सकते हो उसको भी। फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, अनलाइक द फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम इट डज नॉट ले डाउन द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड, डिटेल ऑफ वर्क टू बी डन बाय ऑडिट असिस्टेंट एंड द टाइम पीरियड विद इन विच सच वर्क इज टू बी कंप्लीटेड। इट सिंपली गिव्स द ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ द ऑडिट वर्क टू बी डन। फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम मतलब एक ब्रॉड आउटलाइन दे देता है कि आपको ये काम करना है। एकदम हार्ड और फास्ट रूल नहीं रहता कि यही करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये आपको एरिया बता देगा, आप अपनी मर्जी से यहां फ्री हो, ठीक है। यहां पर क्या है, इट इज अ फ्लेक्सिबल एज सच, मतलब उसका जो डिसएडवांटेज था ना, इसका एडवांटेज और उसका एडवांटेज था, इसका डिसएडवांटेज। इट इज फ्लेक्सिबल एज सच कैन बी अडॉप्टेड बाय चेंजिंग सिचुएशन। इट इनिशिएट ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिट स्टाफ। इट मे इंक्रीज द ऑडिटर्स लाइबिलिटी, ठीक है। इट मे लीव इंपॉर्टेंट मैटर अनअटेंडेड बाय द ऑडिट असिस्टेंट। आप मिला के लिख सकते हो, मिला के लिख सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम। एक्चुअली ये जो है ना, एन ऑडिट प्रोग्राम टू बी सर्विसेबल मस्ट इलास्टिक। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको एडवांटेजेस में दो पॉइंट नहीं लिखने, ये सारे पॉइंट लिखने। एडवांटेजेस में आपको ज्यादा पॉइंट लिखने पड़ेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड पहला, दूसरा टू फेस द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, कंट्रोल ओवर फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉयज, एडजस्टमेंट ऑफ द सजेशन गिवन बाय द एम्प्लॉय। ऑल एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम आर अचीव्ड। ये बोलना ये चाह रहा है फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम से क्या फायदा होता है। पहला बोलता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। हाँ उसमें लिखा था फ्रॉड हो सकता है फिक्स्ड वाले में, क्योंकि फिक्स्ड वाले में क्या होता है, कोई मेजर एरिया छूटने से रह सकता है ना। और फ्लेक्सिबल भाई, ऑडिट करते करते कहीं पे गड़बड़ी लग रही है तो तुरंत अपना प्रोग्राम को चेंज करो, एज पर सिचुएशन आप अप्लाई कर दो। तो वहां पर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, हो सकता है कोई फ्रॉड पकड़ में आ जाए। टू फेस द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, सीधी सी बात है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो रही है, तो उसका ऑडिटर फेस कर सकता है। फिर फिक्स्ड प्लान यहाँ पे काम नहीं आता। कंट्रोल ओवर फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉयज, जो क्लाइंट के जो एम्प्लॉय होते हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके ऊपर वो, या ऑडिट के स्टाफ जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है। एडजस्टमेंट एंड ऑफ सजेशन, एडजस्टमेंट ऑफ द सजेशन गिवन बाय द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होते हैं ऑडिटर के स्टाफ, ऑडिट स्टाफ बोलते हैं जिनको, उन लोग मान लो काम करते करते कोई नया सजेशन दे रहे कि सर ये काम ऐसा नहीं करना है, वैसा कर सकते, तो उनको आराम से आप एडजस्ट कर सकते हो। फिक्स्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑल एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम आर अचीव्ड। फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम के कारण, फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम के कारण जो एक ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस होने चाहिए वो पूरे अचीव हो जाते हैं। फिक्स्ड में अचीव नहीं होते, फ्लेक्सिबल में अचीव होते हैं। तो इसलिए बोला जा सकता है कि ऑडिट प्रोग्राम जो है, ऑडिट प्रोग्राम इज टू बी सर्विसेबल मस्ट बी इलास्टिक। इसके बाद अपन टॉपिक चालू करेंगे ऑडिट नोटबुक, ठीक है, ऑडिट नोटबुक।